लोकसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद एक ओर आरजेडी और महागठबंधन के अन्य घटक दलों में मंथन का दौर जारी है, वहीं कांग्रेस के भीतर घमासान मचा हुआ है। अब वरिष्ठ कांग्रेस नेता और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री अब्दुल जलील मस्तान ने बिहार कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए पूरी कांग्रेस में बड़े स्तर पर बदलाव की वकालत की है। उन्होंने कहा कि बिहार कांग्रेस को सिर्फ बदलने की नहीं बल्कि पूरी तरह से पलट देने की जरूरत है। कांग्रेस विधायक ने बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने पैसे लेकर टिकट बांटे हैं, इसी का नतीजा रहा यह रिजल्ट। मस्तान ने कहा कि चुनाव में कांग्रेस ने जिस तरह का कार्यक्रम चलाया वह भी हार की वजह बनी। अब्दुल जलील मस्तान ने अखिलेश सिंह के बेटे आकाश कुमार के चुनाव लड़ने को क्राइम बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नियमों के मुताबिक यह अपराध है, ऐसे लोगों पर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। गौरतलब है कि कांग्रेस के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। नेशन भारत के न्यूज रूम से मैं कात्यायनी मिश्रा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेशन भारत।